पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल मुरादाबाद पहुंची, जहां पर आयोग की सदस्य ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उससे पहले मदरसों और स्कूलों में निरीक्षण किया। बैठक के दौरान बाल आयोग की सदस्य ने लापरवाही मिलने पर अधिकारियों को भी खरी खोटी सुनाई और बाल संरक्षण समिति के मेंबर्स की भी लताड़ लगाई। इस दौरान कार्य में लापरवाही न बरतने की भी चेतावनी दी। दरअसल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल मुरादाबाद पहुंची थी। मुरादाबाद पहुंचते ही सबसे पहले मदरसों का निरीक्षण किया, तो वहीं इस दौरान बाल संरक्षण आयोग की सदस्य को मदरसों में कमियां नजर आईं। उन्होंने बताया कि मदरसों में अभी भी हिंदी इंग्लिश कम पढ़ाई जा रही है। निरीक्षण के दौरान मदरसों में आज के सिलेबस को लागू करने के आदेश दिए हैं। एक युद्ध नशे के लिए अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, देश के भविष्य को सुधारने का काम किया जा रहा है। सामंजस्य तो है, लेकिन उसमें थोड़ी सी लापरवाही है। लापरवाही है, जैसे बच्ची थाने में आ गई तो उन्होंने कह दिया अभी सुबह सुबह आई है, तो उन्होंने CWC को इन्फॉर्म नहीं किया। और जैसे वन स्टॉप सेंटर में 3 दिन से बच्ची, उसका मेडिकल नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ों को हमने कहा कि इस पर लापरवाही ना करिए, इसको तुरंत आप करिए। और उनकी हर महीने एक बैठक होती है, वो सामंजस्य के लिए होती है। और थोड़ा CWC के कुछ निर्णय लेट हो रहे हैं, कह रहे हैं वो टिपिकल मैनेजर जो आपके समय में नहीं आता, आप ऊपर भेजिए, कोर्ट में भेज दीजिए, आयोग को भेज दीजिए, लेकिन आप निर्णय को रोक नहीं सकते। आप निर्णय तुरंत करिए, नहीं कर सकते तो आप आगे कोर्ट में भेजिए या आयोग को भेजिए। तो मदरसे में थोड़ी सी हमें कमियाँ ये दिखी कि उनको राष्ट्रीयगान आता है बच्चों को, यूनिफॉर्म में बच्चे थे, राष्ट्रीयगान में थे, मतलब काफ़ी सुधार भी दिखा हमें। लेकिन कुछ कमियाँ ये देखी, थोड़ा हिंदी इंग्लिश वगैरह कम पढ़ाई जाती है, बच्चों के पास कम मिलती है। अगर 5th क्लास का बच्चा है तो 2nd क्लास की हिंदी पढ़ाई जा रही है, और मतलब इंग्लिश भी उसी को बहुत स्लो 2nd क्लास के बाद 5th क्लास। तो ये सब चीज़ें देखने में आई। वही हमने कहा मदरसों में कि आप जो आज का सिलेबस है जो और स्कूलों में, वो सब यहाँ लागू करिए। आपको उर्दू पढ़ानी है, आप 1 घंटा उर्दू पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। 8 पीरियड होते हैं स्कूल में, आप 2 घंटे पढ़ा लीजिए कोई बात, लेकिन बाकी पीरियड में आप और शिक्षा भी दीजिए उनको। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सीधा कहते हैं, अगर आप एक हाथ में कुरान पकड़ते हैं तो एक हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए। तो इसलिए बच्चे जो हैं देश का भविष्य, उनके बच्चों के सुधार के लिए हम लोग लगे हैं। और दूसरा, एक युद्ध नशे के विरुद्ध के लिए हमारा अभियान बहुत तेज़ी से चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भी इसमें बहुत ध्यान दे रहे हैं कि बच्चों में कम से कम ये आते ना आए। अब बड़ों में तो बिगड़ चुके हैं, जो बिगड़ चुके उनको तो हम नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन हमारे जो नई पीढ़ी, नया देश, भविष्य के भविष्य है बच्चे हमारे, उनको हम रोक सके। स्कूल के आसपास जो है नशाखोरी की दुकानें ना हो, ये सब हो, अगर ऐसा है तो आप बताइए पुलिस को, तो उसको ख़त्म भी किया जाएगा। तो जगह जगह स्कूलों में सेमिनार हो, एक कार्यक्रम हो, जिलाधिकारी के थ्रू कार्यक्रम हो, वो भी बात रखी है। तो ये सब चीज़ों को हमने देखा। दूसरा, BSA से मैंने ये बोला है कि आप लोग जाते हैं स्कूलों में, ठीक है, अपने स्कूलों का स्टेटस को हमें सुधारना पड़ेगा। यूनिफॉर्म में बच्चे मुझे नहीं दिखे, जूते नहीं पहने हुए थे बच्चों में। तो मैंने कहा जैसे आज प्राइवेट चलते हैं, ऐसे हमें इसके भी कंपटीशन में अपना सरकारी स्कूल के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे टीचर इसी में MSc BEd टीचर होते हैं, जबकि आप प्राइवेट स्कूलों में देखिए BSc पास करके भी वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में आप बिना BEd के, बिना MEd के नहीं पढ़ाते हैं सरकारी में। तो सरकारी स्कूलों का स्टेटस तक क्यों, जब हम सरकारी यूनिवर्सिटियों में चाहते हैं कि हमारी अच्छी यूनिवर्सिटी में सरकारी में एडमिशन हो जाए, ऐसी कंपटीशन हमें सरकारी स्कूलों के लिए भी चाहिए। इसका सुधार होना चाहिए। कायाकल्प पे काफ़ी सुधार हो रहा है, काफ़ी हो रहा है, वही मेरी भी ऐसा सब आती है, उनका इसको हम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं, ये सब देखी हमने, जो कमियाँ उसको दूर करने के लिए कहा है। और बाकी श्रम वालों में मैंने, उन्होंने कहा है कि हमने रेस्क्यू किए हैं काफ़ी बच्चे, तो हमने कहा उसके में लिस्ट दे दो, और बाकी उनका पुनर्वसन भी कराया, उनको शिक्षा के लिए भेजा है। तो जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो श्रम करते हैं, उनको पकड़ना गलत कर रहे हैं, उनको उनको पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करना, उनको पढ़ाना लिखाना, ये सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने जीवन को सुधारें, आगे देश के लिए कुछ कर सके, अपने लिए कुछ कर सके, एक मिसाल बने, ताकि ये ना हो कि वो भीख मांग रहे हैं। यही भिक्षावृत्ति के लिए आयुक्त को हमने बुलाया, आयुक्त नहीं आए हैं यहाँ पर। भिक्षावृत्ति के बच्चों को भी हम लोग चाहते हैं कि भिक्षा ना मांगे, उनका पुनर्वसन हो, उसके लिए सरकार उनको, आयुक्तों को काफ़ी पैसा भी दे रही है कि आप उनके लिए करिए।
लेकिन आयुक्त इसमें आए नहीं। और मैं उनसे पूछती, अब नगर आयुक्त आए नहीं है, मैं पूछती, और अभी मैंने इनको कहा है कि जिलाधिकारी के थ्रू आप नगर आयुक्त को इसका जांच मांगिए कि कितने बच्चों को उन्होंने भिक्षा के लिए लिया और कितने बच्चों को उनको पुनर्वसन कराया। नोटिस देखिए, हम ऐसे DOS जो नहीं आए हैं, अभी एक दो लोग जो नहीं समाज कल्याण के वो अब आए उनके, तो एक जो लोग नहीं आए उनके लिए नोटिस, कि वो लोग क्यों नहीं आए इसमें, कारण बताओ नोटिस कि आप क्यों नहीं आए, उसके लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। नगर आयुक्त को भी करेंगे। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।